वज़ीर आज़म पाकिस्तान में होने वाले शंघाई ताबुन तंजीम के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। जब हालात पूरी तरह से काबू से बाहर हो गए हैं तो अब मिन्नत तरला मोदी का किया जा रहा है। आपको बताता हूँ कि जब ये रिजीम इंस्टॉल की गई थी तो कुछ शराइत थी आलमी एस्टेब्लिशमेंट की। आम पब्लिक है उसको शंघाई कॉर्पोरेशन से कोई लिंक नहीं है, उसको महंगाई कॉर्पोरेशन से लिंक है। हाँ, पाकिस्तान की पब्लिक। हाँ, वो कहते हैं कोई ऐसी कॉर्पोरेशन, कोई ऐसी मीटिंग्स हो, कोई मुल्कों के सरबराह जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं जुड़ के बैठे और ये महंगाई का तूफान थमे। बैंक की एक रिपोर्ट है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बायलैटरल ट्रेड का इतना ज्यादा पोटेंशियल है, इतना ज्यादा वॉल्यूम है, बड़े कंट्री हैं, $37 बिलियन एनुअली कमा सकते हैं, ये ट्रेड कर सकते हैं। और आप अगर इतनी ख्वाहिश आपकी है तो एक मिनट लगता है, फोन उठाएं, चीजें क्लैरिफाई करें। आप एक दूसरे को, दूसरी तरफ से इतराज है कि आप दहशतगर्दी को प्रमोट करते हैं, क्लैरिफाई करें कि हम, वी आर नॉट इन्वॉल्व एंड वी आर विक्टिम। ये इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आगाह करता हूं कि पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, हम मोदी के पैर पड़े हुए हैं, हमारी फजाई हदूद इस्तेमाल मोदी को करने की इजाजत बाकायदा दी गई, लेकिन कैसे दावा दे लें? सबसे पहले हमारी सियासी जमातों को, हमारी दहशतगर्द जो पाकिस्तान के लिए गलत सोच रहा है, यकीन करें उसको निकाल दें पाकिस्तान से, क्लियर कर दें, एक दफा साफ पाकिस्तान करते हैं, थोड़ा सा पाकिस्तान होगा, अच्छा पाकिस्तान होगा। भारत की तरफ से इनकार या इकरार की कोई जवाब नहीं आया। शंघाई ताबुन तंजीम का इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में शेड्यूल है। आपने नरेंद्र मोदी को तंग नहीं करना, कश्मीर पे कोई बात नहीं करनी, बल्कि आपने भारत के नीचे लग के अब रहना है। आपने गौर किया होगा कि पिछली बहुत सारी फॉर्मेशन कमांडर्स और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंसेस में भारत की किसी तरह की कोई मजम्मत नहीं की गई। अगर हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर इधर आता है उसे क्या उन्हें करेंगे आप? सारी मारना चाहिए। ये देखिए ना, ये सोच है ना, पूछा कि आप ही, आप कहां से? मैं ना इंडिया से आई हूँ, तो इधर बिजली वगैरह उसने, वो मुस्लिम, अच्छा, और मोदी गैर मुस्लिम, अच्छा, उसकी वो तारीफ करी कहती है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बैठक में शामिल होने के लिए पाकिस्तान आने का न्योता दिया। यह बैठक इस साल अक्टूबर में इस्लामाबाद में होनी है और इस बैठक में SCO के सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुख शामिल होंगे। हालांकि भारत और पाकिस्तान के संबंधों को देखते हुए इसकी बहुत कम संभावना है कि PM मोदी पाकिस्तान का दौरा करेंगे। देखने वाली बात यह होगी कि क्या PM मोदी अपनी जगह अपने किसी मंत्री को पाकिस्तान भेजते हैं या नहीं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेजबानी बारी बारी से इसके सदस्य देशों को मिलती है। इसी तरह इस साल बैठक की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्र प्रमुख बैठक में PM मोदी शामिल होते रहे हैं, लेकिन इस साल कजाकिस्तान में हुई बैठक में प्रधानमंत्री मोदी शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि यह बैठक आम चुनाव के समय में हुआ था। PM मोदी की जगह पर उस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए थे। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को अपनी हालत सुधारने के लिए पाकिस्तान भारत से अच्छे संबंध करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर में लगातार हमलों को देखते हुए इसकी संभावनाएं बहुत कम है कि भारत पाकिस्तान का दौरा करे। पाकिस्तान ने भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए अक्टूबर की दावत दी है। आपको क्या लगता है, एक तो ये बताएं कि वो इस दावत को कबूल करेंगे? देखें चीमा साहब, मैं इस पे अफसोस करना चाहूंगा, खासकर इस तरीके से कि आप देखें आज के सारे अखबारों ने और मीडिया ने इसको कवर किया है कि मोदी साहब ने एयर स्पेस जो है उसको क्रॉस किया है और उस पे शादिया ने लूटा, दर्दे चौड़ पाकरे ने RNG मोदी साहब ने एयर स्पेस क्रॉस कर। देखें एक आप बात नहीं करना चाहते, आप आगे नहीं बढ़ना चाहते और सिर्फ एयर स्पेस को यूज करने पे आप जो मैसेज है, खासकर डॉन ने कवर किया है कि ये जी एक खुश इट्स अ गुड जेस्चर। तो आप अगर इतनी ख्वाहिश आपकी है तो एक मिनट लगता है, फोन उठाएं, चीजें क्लैरिफाई करें। आप एक दूसरे को, दूसरी तरफ से इतराज है कि आप दहशतगर्दी को प्रमोट करते हैं, क्लैरिफाई करें कि हम, वी आर नॉट इन्वॉल्व एंड वी आर विक्टिम। ये इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आपका एक सबसे बड़ा इशू इस वक्त इन्फ्लेशन है और उसके लिए जरूरी है कि आप भारत के साथ ट्रेड शुरू करें, लेकिन उस तरफ तवज्जो नहीं है। इसको एयर स्पेस के हवाले से मैं समझता हूँ चले पहले से तो बेहतर है, ये भी उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने क्रॉस कर ली है एयर स्पेस, वरना इसमें माजी के अंदर जो हालात थे, हालात इससे भी मजीद खराब थे। जब एयर स्पेस बंद की गई थी तो एक दफा जर्मनी जा रहे थे मोदी साहब, तो इन्होंने परमिशन नहीं दी थी उस वक्त, लेकिन इस दफा वो मोदी साहब ऊपर से गुजरे हैं। पोलैंड का तो नहीं, यूक्रेन का बल्कि दौरा करके आए, बड़ा सक्सेसफुल दौरा, इस वजह से बल्कि मैं देख रहा था कि वो इस
पे इस वक्त हो क्या रहा है? भारत बहुत मसरूफ नजर आ रहा है यूक्रेन में, राजनाथ साहब इस वक्त अमेरिका में बैठे हैं, उससे पहले डॉक्टर जयशंकर साहब अपने एशिया मालदीव का दौरा उन्होंने किया, दो चीजों, फिर उनकी कल फिर दोबारा उनकी स्टेटमेंट आई एक किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के बात कर रहे थे कि हम तेल मुसलसल रशिया से लेंगे। मैं समझता हूँ एक क्लू, एक मिसाल जिसको दी जा सकती है कि जो वो एक नारा है उनका स्ट्रेटेजिक अटॉनमी, उसको मैं समझता हूँ कि उसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। मतलब और जो पाकिस्तान में इस वक्त खबरें बताई जा रही हैं, जो दूसरा सबसे बड़ा एक यही दूसरा टोपी ड्रामा है, कच्चे के इलाके में पंजाब पुलिस के 14 लोगों को मार दिया गया पुलिस पर। दुख वाली अफसोस वाली बात यह है कि उनके पास असला इतना सोफिस्टिकेटेड है जो ना आपके पुलिस के पास है ना आपकी फौज के पास है, और ये सारा कुछ जो कच्चा है वो कहाँ है? वो तीन सूबों के सेंटर में मौजूद है, तीन सूबों के एक कॉर्नर के ऊपर है, पंजाब सिंध और बलोचिस्तान, ये आपके इंटरनल आता है। इन सर्कमस्टांसिस में आप ख्वाहिश तो करनी चाहिए कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगी, जिस तरह पहले फरमाते रहे हैं कि यूएई 10 बिलियन यूएई लगाएगा, 15 बिलियन सऊदी अरेबिया लगाएगा, 40 बिलियन फलाना लगाएगा, इस तरह एक टोपी ड्रामा आपने एक दूसरे को बताते रहे। इन सर्कमस्टांसिस में जब कच्चे के डाकू आपकी गवर्नमेंट से ज्यादा स्ट्रांग हो और उनके पास वेपन सोफिस्टिकेटेड आपकी गवर्नमेंट से ज्यादा हो, वहां से लोग भागेंगे या लोग वहां पर इन्वेस्टमेंट लेकर आए, ये क्वेश्चन मार्क। शंघाई कॉरपोरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मीटिंग 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में इस्लामाबाद में होने जा रही है, ये सारी मीटिंग्स तो होती रहेंगी लेकिन जो आम पब्लिक है, सबसे पहले मैं उसकी तरफ भी डिटेल में आता हूँ, लेकिन जो आम पब्लिक है उसको शंघाई कॉरपोरेशन से कोई लिंक नहीं है, उसको महंगाई कॉरपोरेशन से लिंक है। पाकिस्तान की हाँ, वो कहते हैं कोई ऐसी कॉरपोरेशन, कोई ऐसी मीटिंग्स हो, कोई मुल्कों के सरबराह जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं जुड़ के बैठे और ये महंगाई का तूफान हमें ठीक है, महंगाई कम हो, इसके ऊपर मैं डिटेल से बात करूंगा। मैंने सवाल ये किया है कि आपके ख्याल से इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कि इस समय पूरी दुनिया में जिनका जिक्र किया जा रहा है, मतलब एक बड़े लीडर के तौर पे उन्हें जाना और पहचाना जा रहा है, वो पाकिस्तान एससीओ की मीटिंग में आएंगे या नहीं, मेरा ये सवाल है। आपकी क्या इस बारे में? अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन जानना चाहें तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर वो पाकिस्तान में आ जाते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद वो इस बार तो कम से कम पाकिस्तान में नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसा माहौल नहीं बना हुआ पाकिस्तान इस वक्त। हाँ, अगर देखा जाए कि लास्ट ईयर जो एससीओ की ही मीटिंग हुई थी फॉरेन मिनिस्टर्स को लेके, बिलावल भुट्टो उधर गए, इंडिया में गए थे, लेकिन उसका कोई खातर खा कोई रिजल्ट नहीं निकला, वो उल्टा एक थोड़ा सा सोशल मीडिया पे उसका नेगेटिव ही कंट्रोवर्सी सी माहौल सा बना था, क्योंकि वो उससे पहले कुछ मंथ पहले वो फॉरेन मिनिस्टर थे उस वक्त, और कुछ मंथ पहले वो ऐसी एक स्टेटमेंट दे चुके थे उनके प्राइम मिनिस्टर को लेके, बुचर ऑफ गुजरात और इस तरह करके। क्या समझते हैं इंडिया वालों का ये स्टांस है कि भाई जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जैसे भी ये भाई ने बात की कि उनका ये स्टांस है, क्या आपको लगता है कि ये स्टांस हम खत्म कर सकते हैं, उनका ये शिकवा हम खत्म कर सकते हैं, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एज ए पाकिस्तानी ये बात करूंगा जिसमें सबसे पहले हम पाकिस्तानियों का फायदा है और जो एक रियलिटी है जो मुझे लगता है ठीक है। देखिए, हम कैसे उनको बुला लें या वो कैसे आ जाएं, सबसे पहले हमारी सियासी जमातें, हमारी मजहबी जमातें, ठीक है, कोई भी जमात, और सबसे पहले हमारी जो दहशतगर्द जमातें हैं, ठीक है, इन सबको चाहिए कि एक टेबल पे बैठ के पहले अपने हालात को ठीक करें। मैं कहता हूं जो इंतजार बुला रहे हैं वो दफा हो जाए, टेबल पे ना बैठे। एक बात है, वो सबसे जो पाकिस्तान का बुरा सोच रहे हैं ना, उनको यहाँ से दफा हो जाना चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया में जी ये एक शोर है जी, एक दहशतगर्द कंट्री है, ये है वो है, वो दफा हो यहाँ। हम देखें 15 से 20 साल पीछे चले जाएं, ठीक है, पाकिस्तान के आते हुए लोग फख्र महसूस करते थे, ठीक है, और आज देखें क्या, और उसकी मेन रीजन ये है कि दहशतगर्दी जो है, मैं किसी को कैसे दावा दे दूं जब तक मेरा अपना घर ही ठीक नहीं है, लेकिन ये रियलिटी है, ये रियलिटी, हम अपनी हाथी के तो चलो कुछ हाथी के ठीक है, लेकिन हम किसी को कैसे दावा दे लें? सबसे पहले हमारी सियासी जमातों को, हमारी दहशतगर्द जो पाकिस्तान के लिए गलत सोच रहा है, यकीन करें उसको निकाल दें पाकिस्तान से, क्लियर कर दें, एकदम साफ पाकिस्तान कर दें, थोड़ा सा पाकिस्तान होगा अच्छा पाकिस्तान होगा, और यकीन करें कि जब तक ये इन चीजों से हम कानों को हाथ नहीं लगाते, दहशतगर्द पूरा पाकिस्तान, तब तक मैं खुद चाहूंगा कि किसी हम मेहमान को ना बुलाएं, किसी हम हिंदुस्तान से किसी प्राइम मिनिस्टर को या उनको ना बुलाएं, फॉरेन मिनिस्टर को ना बुलाएं, वो बेहतर है पाकिस्तान के लिए।